Hi grade 5th, in previous class we had completed our unit test 1 and 2. Our examinations are finished and now we are moving to the next course. We are moving to the new course, right? Today I'm starting with chapter number 5, that is the verb, right? What do you mean by verb? Verbs kya hote hain? Verb means actions, being, ya fir possessions, theek hai? वर्ब्स क्या दिखाते हैं? वर्ब्स हमें बताते हैं एक्शंस, बीइंग या फिर पोजीशन. वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. हम कोई भी वर्ब के बिना सेंटेंस बना नहीं सकते हैं. समटाइम्स वी यूज मोर देन वन वर्ड टू फॉर्म द वर्ब इन अ सेंटेंस. कई बार हम सेंटेंस बनाने के लिए एक से ज्यादा वर्ब यूज करते हैं. स्मिता वॉक्स इन द गार्डन, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज ओनली वॉक्स. और स्मिता इज वॉकिंग इन द गार्डन, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, राइट? सम वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शंस, कोई कोई वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शंस बताते हैं, दैट इज गो, सिट, रन, क्रॉल, स्क्रीम. Different forms of verb B tells us what a person or a thing is. जैसे कई बार जो हमारे, मैं हमेशा बोलती हूँ auxiliary verbs, that is helping verbs जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, person या फिर वो action क्या कर रही है, फिर कौन से tense में है. जैसे is, are, am, was, were, been, being, right? Different forms of the verb have shows the possession or belonging. जैसे have, has, had, जो हमारे possession मतलब हमारी चीज, हमारी, जैसे I have a book मतलब मेरे पास एक book है. So वो book का possession किसके पास है, वो have से define होता है, right? तो कई बार ऐसे भी verb होते हैं जो हमारे possession बताते हैं, हमारी चीज बताते हैं, हमारी बिलोंगिंग्स. बिलोंगिंग्स मतलब हमारी खुद की चीज. द वर्ब्स बी, हैव और डू कैन बी यूज्ड बोथ एज मेन वर्ब एंड एज हेल्पिंग वर्ब्स. मतलब बी है, हैव है एंड डू है, ये ऐसे वर्ब्स है वो मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं. जैसे ही इज अ हैंडसम बॉय, वो एक हैंडसम बॉय है, ये यहाँ पे इज जो है वो मेन वर्ब है, राइट? रिया इज गोइंग टू स्कूल, रिया इज गोइंग टू स्कूल, ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब है. क्यों हेल्पिंग वर्ब है? यहाँ पे इसके सिवा और कोई वर्ब नहीं है, सो इसलिए ये मेन वर्ब है. जैसे ही है वो प्रोनाउन है, अ आर्टिकल लगा हुआ है, हैंडसम एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, तो यहाँ इसके सिवा और कोई भी वर्ब नहीं है, इसीलिए ये मेन वर्ब है. रिया इज गोइंग टू स्कूल, रिया यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है. क्यों हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि यहाँ पे रिया प्रॉपर नाउन है, इज गोइंग, गोइंग को हेल्प करने के लिए यहाँ यूज हुआ है इज, इसलिए रिया इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. सैम हैज अ पेट डॉग, यहाँ पे हैज जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है. क्यों? क्योंकि सेम प्रॉपर नाउन है, हैज यहाँ पे वर्ब है, अ आर्टिकल, पेट डॉग, पेट डॉग नेमिंग वर्ड है, राइट? तो यहाँ हैज मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है और यहाँ पे सैम हैज कम्प्लीटेड हिज वर्क, मतलब सैम प्रॉपर नाउन, हैज कम्प्लीटेड मतलब सैम ने कम्प्लीट किया. तो ये जो कम्प्लीटेड वर्ब है उसको हेल्प करने के लिए कौन सा वर्ब यूज हुआ है, हैज. तो यहाँ हैज इज अवर हेल्पिंग वर्ब, राइट? आई डू माई वर्क वेरी फास्ट, मैं मेरा काम बहुत फास्ट करता हूँ. यहाँ पे डू इज मेन वर्ब. वाई इट इज मेन वर्ब? जैसे आई इज प्रोनाउन, डू मेन वर्ब, क्योंकि डू एक्शन बता रहा है, मैं करता हूँ, मैंने किया. माई मेरा प्रोनाउन है, वर्क काम,
वेरी फास्ट, मैंने मेरा काम बहुत फास्ट किया, राइट right? तो यहाँ पे डू मेन वर्ब है, ये एक्शन वेरी, डू जो एक्शन है वो मेन वर्ब है. ही डज नॉट गो टू बेड बिफोर 9 PM, वो 9 बजे से पहले नहीं बेड मतलब सोने को नहीं जाता है. सो यहाँ पे डज है वो हेल्पिंग वर्ब है, राइट. सो होप दिस इज क्लियर. नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ए. कम्प्लीट ईच सेंटेंसेस चूजिंग करेक्ट वर्ब फ्रॉम द स्ट्राइप. यहाँ पे आपको वर्ब्स दिए गए हैं जो आपको यूज करने हैं. देयर वॉज अ बाथ टब इन द होटल रूम, वहां पे एक बाथ टब था, होटल रूम में एक बाथ टब था. नंबर टू, वेयर हैव यू केप्ट माई कैप, आपने मेरा कैप कहाँ रखा. नंबर थ्री, वेयर आर द कीज टू द हाउस, घर की जो कीज है वो कहाँ है. हाउ डू मैजिशियंस परफॉर्म द ट्रिक्स, मैजिशियंस अपने ट्रिक्स कैसे परफॉर्म करते हैं. नंबर फाइव, वेयर डज शिल्पा लीव, शिल्पा कहाँ रहती है. नंबर सिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पेड द फीस, कितने स्टूडेंट्स ने फीस पेमेंट कर दिया है. नंबर सेवन, हैज रूही एट ईटन ऑल द बिस्किट्स, क्या रूही ने सारे बिस्किट्स खा लिए हैं. नंबर एट, तारा सेड आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, देर वर टू मैनी बसेस ऑन द रोड कॉजिंग अ ट्रैफिक जैम, आई हैड टू कम बैक होम. तारा ने कहा मैं मार्केट जा रही थी, देर वर टू मैनी बसेस ऑन द रोड, वहां पे बहुत सारी बस थी, कॉजिंग अ ट्रैफिक जैम, जिसकी वो बस की वजह से क्या हो रहा था, ट्रैफिक जैम हो रहा था. सो आई हैड टू कम बैक होम, तो मुझे घर पे वापस आ जाना पड़ा, राइट. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. एंड विद दिस आई एंड दिस क्लास हियर. एंड योर होमवर्क इज यू विल कम्प्लीट एक्सरसाइज ए इन योर टेक्स्ट बुक. With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day.